डिफेंडेंट को भी सुना और उसके पश्चात हमने रिपोर्ट दिए हैं और रिपोर्ट में कुछ प्रस्ताव दिए गए। मुझे लगता है मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को आज उसे प्रस्ताव मतदान के लिए रखने का मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी द्वारा के प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि ये सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे द्वारा सांसद द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को सुश्री महिमा मोत्रा सांसद के खिलाफ दी गई सदन के प्रश्न पूछने के बदले नकदी के प्रत्यक्ष संस्था के संदर्भ में अपने अनैतिक आचरण शिकायत पर दिनांक 8 दिसंबर 2023 को सभा पटल पर रखे गए आचार संहिता प्रश्न को विचार करने के संबंध में जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए हैं, जो विरोध में ना गए हैं, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत। माननीय मंत्री जी, सर, आई बेग टू मूव द फॉलोइंग दैट दिस हाउस डू एग्री विद द रिकमेंडेशन कंटेंड इन द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन एथिक्स on complaint dated 15th October 2023 given by Shri Nishikant Dubey MP against Shrimati Moha Maitra MP for the direct involvement in cash or curry in parliament with reference to the examination and investigation of the alleged unethical conduct of Shrimati Moha Maitra MP laid on the table of the House on 8th December 2023। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा 15 अक्टूबर 2023 को सुश्री महिमा मोत्रा सांसद के खिलाफ दी गई सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संदर्भ में अपने नैतिक आचरण की शिकायत पर दिनांक 8 दिसंबर 2023 को सभा पटल पर रखे गए आचार संहिता की प्रति रिपोर्ट में निहित सिफारिशों से सहमत है, जो सदस्य इसके प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए हैं, जो विरोध में ना गए हैं, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री मोमा मोत्रा के निशान समय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। सर, आई मूव द फॉलोइंग विथ योर परमिशन दैट दिस हाउस हैविंग टेकन नोट ऑफ फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन एथिक्स ऑन कंप्लेंट गिवन बाय डॉक्टर निशिकांत दुबे एमपी अगेंस्ट श्रीमती मोमा मोत्रा एमपी वेयर इन शी हैज बीन फाउंड टू बी द गिल्टी ऑफ अनएथिकल कंडक्ट एंड कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस for sharing her Lok Sabha credentials, that is user ID and password of the Lok Sabha members portal, to unauthorized person and its irrepressible impact on the national security, wherein her conduct has further been found to be unbecoming of a member of parliament for accepting illegal gratification through gifts and other facilities from a businessman to further his interest, which is a serious misdemeanor and highly deplorable conduct on her part. Accept above recommendation and findings of the committee and resolve that continuance of Shrimati Moha Maitra as member of parliament, member of Lok Sabha is untenable and she may be expelled from the membership of the Lok Sabha. अब मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी के प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि यह सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा संसद सदस्य श्रीमती महुआ मोत्रा के विरुद्ध सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को दी गई शिकायत पर आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के निरीक्षकों को स्वीकार करती है कि सांसद श्रीमती महुआ मोत्रा का आचरण अनैतिक
और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 11 दिसंबर 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Well, that's the big breaking news that's coming in. TMC MP Mahua Moitra, in fact, has been expelled in the backdrop of the cash for query row. We did see the voting on the expulsion just conclude a short while ago, and we did see the opposition stage a walkout. All of this in the backdrop of the cash for query row. Remember, today you had the Ethics Committee tabling their report. It was tabled earlier in the day. Then the house was adjourned for 2 hours for the members to go through this report. The report went above 500 pages. The recommendations made by the committee was to expel Mahua Moitra because they felt that her login credentials in fact were compromised and they were used on foreign soil. What are going to be the political reactions? What will be the TMC stand? We will discuss all of this over the next 60 minutes. Let's